लोअर कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा दी गई थी, जिसमें आजम खान द्वारा अपील की गई थी, जिसे न्यायालय एमपी में ले कोर्ट में आज निर्णय में लगा हुआ था, जिसमें उनकी अपील जो है खारिज कर दी गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को अपील में नहीं मिली राहत। एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में दायर आजम खान की अपील हुई खारिज। हेट स्पीच मामले में 2 वर्ष की सजा और 2500 रुपए जुर्माने की सजा जो एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर द्वारा आरोपित की गई थी वह बरकरार रही। ये फैसला आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस अपील के खारिज होने से आजम खान की उम्मीद की एक किरण धुंधला गई। 2019 लोकसभा आम चुनाव में आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए थाना शहजाद नगर रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस अपील में उनके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने उन पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया और 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी अपील रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में चल रही थी। इसी अपील का अदालत ने निर्णय सुनाते हुए खारिज कर दिया है। आज जो आजम खान का 130/19 हेट स्पीच का मामला था, जिसमें लोअर कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा दी गई थी, जिसमें आजम खान द्वारा अपील की गई थी, जिसे न्यायालय एमपी में ले कोर्ट में आज निर्णय में लगा हुआ था, जिसमें उनकी अपील जो है खारिज कर दी गई और लोअर कोर्ट के जो निर्णय जो था उसको बरकरार रखा गया। तो कितने साल की इसमें सजा थी? 2 साल की सजा दी गई थी। इसमें अर्थदंड भी डाला गया था कुछ, अभी और नहीं डाला गया? लोअर कोर्ट का जो निर्णय था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसी को बहाल कर दिया, उसको बहाल कर दिया गया। 2019 का सामान्य लोकसभा निर्वाचन का समय था, उस समय आजम खान गठबंधन प्रत्याशी थे लोकसभा में। इनके द्वारा धमौरा में 8 अप्रैल 2019 को एक भाषण दिया गया था। तत्समय डीएम श्री अंजनेय कुमार सिंह थे, जो चुनाव आयोग के निर्देशन में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में थे और चुनाव आयोग के निर्देशन में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन में थे। मोहम्मद आजम खान द्वारा भाषण में वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध एवं तत्कालीन डीएम श्री अंजनेय कुमार सिंह के विरुद्ध जो है अभद्र टिप्पणियां की थी, हेट स्पीच दिया था, जिसके संबंध में मुकदमा कायम हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय में यह मुकदमा चला। अभियोजन की तरफ से 7 गवाह और बचाव पक्ष की तरफ से 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तत्काल समय जो एसीजीएम प्रथम श्री शोभित बंसल एमपी एमएलए न्यायालय में, उनके द्वारा जो है 2 वर्ष का कारावास, 125 धारा 125 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम में एवं 505 वन बी में दिया गया था। 171 एच भी प्रमाणित हुआ था। तो कुल मिला के 2 वर्ष का कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडारिश किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध इनके द्वारा अपील की गई सत्र न्यायालय में, जैसा कि जेडी सर ने बताया कि आज सत्र न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उनके अपील को बलहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। अब वो जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा है, वो सजा वही बहाल रह रही, वही सजा मानी है। तो ये सर, ये 2019 का मामला था सर? जी, 2019 का मामला था, जिसमें मुख्यमंत्री और अधिकारियों को जो बहुत अभद्र टिप्पणी की गई थी और विभिन्न निर्णयों के तहत जो है उसको ये माना गया कि हाँ, ये हेट स्पीच की श्रेणी में आता है और न्यायालय ने उसको, दोनों न्यायालयों ने उसको माना। तो ये लोअर कोर्ट में कब सजा दी गई, कब किस डेट में सजा दी गई थी? लोअर कोर्ट में 15 जुलाई 2023 को सजा दी गई थी। 15 जुलाई 2023 से 2 साल, दो साल की थी। जी जी जी। इसमें कौन कौन सी धाराएं थी? 171 एच भारतीय दंड संहिता की थी, 505 वन बी भारतीय दंड संहिता की थी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था। चूँकि आचार संहिता का उल्लंघन था, जो जो बातें उन्होंने की थी उससे धारा 125 आचार संहिता का भी उल्लंघन होता था। और अपने हेट स्पीच में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी कि इनके द्वारा जो है ये फेवर किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो कुल मिला जुला करके ये तीनों धाराएँ, चूँकि लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो जो भी बातें एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है उसके अगेंस्ट अगर कहा जाएगा तो उसकी परिधि में आएगा ही।